दोस्तों बहुत पवित्र तरीके से दिखाऊंगा आपको तरीके से। Hey guys, so welcome back to my channel. This is Joe Arkyo. Now, let's go. तो दोस्तों इसी के साथ आ चुके हैं कालिंदी मेट्रो से बर्ड सेंचुरी की तरफ। सिर्फ और सिर्फ ये व्यू दिखाने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कितना बाढ़ का पानी अभी भी इस लेवल पर है। रिसेंट में आई नो दैट कि बहुत ज़्यादा हो गया था, बट अब बहुत ज़्यादा कवर अप है, अब बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, जो कि वाकई में रिस्क के बहुत बाहर है, जो कि बहुत अच्छी बात है लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। बाकी आगे दिखाता हूँ आपको अपने नॉर्मल प्लेस पर। एक बात तो है कि सुपरनोवा की बात ही अलग है, और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना सुपरनोवा का, वो वाकई में फैबुलस है, बहुत अमेजिंग है। और जो मौसम भी हो रहा है वाकई में इतना प्यारा सा लग रहा है, देख रहे हो जैसे आउट ऑफ कंट्री। बाकी तो देख ही रहे हो क्लाउड्स एंड दिस स्काई स्क्रैपर्स, वाकई में अमेजिंग है ये स्काई स्क्रैपर्स पूरे नोएडा में, सच में। तो इसके लिए लाइक ज़रूर करना है यार वीडियो। सुपरनोवा के बाद अब ये जो व्यू है हाईवे का, ग्रीनरी दिख रही है इतनी अच्छी, और जो क्लाउड्स हैं वाकई में बहुत अमेजिंग है मौसम, मतलब अमेजिंग। तो दोस्तों इस व्लॉग में ये व्यू दिखाने के लिए मैं स्पेसिफिकली कालिंदी से बर्ड सेंचुरी गया, जस्ट बिकॉज ऑफ शोइंग यू दिस मोमेंट की क्या सिचुएशन है इस बाढ़ के पानी की, जो अभी तक लेवल यमुना का इतना है। बाकी व्यू आप देख ही रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, ये जो हाईवे वाला रास्ता है, ऊपर से क्लाउड्स एंड जो पानी का लेवल है वाकई में वो तो आउट ऑफ लेवल था वाकई में। और बाकी आप देख ही रहे हो क्या सिचुएशन है, ये हाईवे से कुछ डिफरेंट ही वाकई में व्यू आ रहा है कि व्लॉग में भी ऐड कर रहा हूँ। बाकी अभी जो ये नोएडा की तरफ का जूम करके व्यू देखा है अच्छा लग रहा होगा क्या। और बाकी खादर की साइड आप देखो राइट साइड में, ये जो अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ ये वाला। तो इसी के साथ आ चुके हैं अपने पुस्ता वाले रोड पे, और यहाँ से दिखाता हूँ मैं सिचुएशन कि पानी का लेवल है क्या, जो बहुत पास में है ऐसे दिखाऊँगा आपको यमुना के जस्ट बगल से। जो पुस्ता वाली रोड है ये आपको दिखेगी सकरी सी, वन वे बेशक है, बट हाँ बड़ी ही है क्योंकि पेड़ पौधे लगे हैं ना रास्ते में, तो वो अच्छे लग रहे हैं वाकई में, अट्रैक्टिव बना रहे हैं वेज को भाई। एकदम मौसम कहरा हो रहा है सच में यार, और वाकई में यार एकदम व्यू देखने में बहुत अमेजिंग सा लग रहा है। और पीछे का जो ये व्यू है ना इवनिंग का, देख रहे हो, मुझे मत देखो, इस व्यू को देखो भाई, व्यू एकदम फैबुलस है। सो इसके लिए तो लाइक कर देना, और गुड इवनिंग जिसे लिखना है वो लिख सकता है यार। बाकी देखो मेरे बैकग्राउंड में जितना भी ये सीन है ना, दिस इज द फैबुलस व्यू। बाकी तो यू रियली नो वेल दिस इज योर आर्कियो, सो प्लीज लाइक फॉलो एंड शेयर माय चैनल, इवन यू कैन जस्ट फॉलो ऑन मी ऑन इंस्टाग्राम। दोस्तों इससे पहले मैंने कालिंदी का व्यू दिखाया था आपको कि जमुना में पानी कितना बढ़ गया, तो इसलिए भाग भाग के देख रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ का भी व्यू दिखाऊंगा। वो देखो एक मेरा दोस्त वो आ रहे हैं गोली भाई, बहुत मतलब पूरा टच हो गया था ना वहां तक, अभी पीछे हो गया पानी। हेलो गाइस, गाइस बाद में, गाइस विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। भाई ये है व्यू देख रहे हो, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है सही में, तो पानी बहुत ज्यादा हो गया सही में, बढ़ गया है देखो बहुत ज्यादा, कितना भी आगे तक देखते रहो। गोली भाई, भाई किसी को रुलवा दो, कोई आशिक तो रो रहा होगा, पानी वानी बढ़वा दो। बहुत बुरा हाल चाल है भाई सही में, इसे देख के एंजॉय करिए भैया, और क्या है, जितना ज्यादा लाइक करोगे शेयर करोगे उतने ज्यादा तुम्हें कंटेंट मिलेगा फॉर वॉचिंग। एंड हियर इज योर आर्कियो, चल रहा हूँ भाई पानी नदी के किनारे, पानी भी क्या कहीं, और तगड़ा हाल चाल है, ये देख रहे हो भाई लोहा बोहा पे चलना पड़ता है, थोड़ा सा रिस्की है, रिस्की होता है, पर हाँ भाई पर बहुत ज्यादा पानी तगड़ा, जिसे कहते हैं बहुत तगड़ा पानी भर रखा है। और मेरा ऑफिस अगर किसी को जानना हो तो गाइस वहां पे वो पीछे का जो एरिया है वहां पे मेरा ऑफिस है, पीछे जो इवनिंग का व्यू है वो भी बहुत सुंदर आ रहा है, ये देखो एकदम ब्यूटीफुल। इसके लिए तो लाइक ही कर देना यार, मेरे को पता है चैनल पे बहुत कम लोग अभी बने हुए हैं कि जो लोग कंटिन्यू मेरा व्लॉग देख रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ जो बी कंटिन्यू विद दैट,
और मेरे को भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसे कैसा कैसा कंटेंट चाहिए, बिकॉज आई रियली वांट टू मेक मोर व्लॉग्स रिलेटेड टू द कंटेंट्स। बेसिकली मेरे को पता है बट आई नेवर गेट दैट मच टाइम, जितना होता है उतना तो एक्सप्लोर करा ही देता हूँ आप सबको, जिस तरीके से यहाँ के व्यू के बारे में करा दिया। एंड हियर इज योर वॉक, बाकी अभी रियर कैमरे से दिखाता हूँ आपको। ओके दोस्तों, बहुत पवित्र तरीके से दिखाऊंगा आपको, तरीके से यहाँ का व्यू देख लो, जो व्यू पूरे का पूरा। वैसे बेसिकली मैंने अपने फ्रंट वाले कैमरे से दिखा दिया है, फिर भी आपको मैं रियर कैमरे से दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो व्यू है ना वो वाकई में बहुत ही देखने में जितना सुंदर लग रहा है उतना खतरनाक रहा है, क्योंकि खादर बसंतपुर ये क्योंकि इलाके वाकई में नियरेस्ट के जो थे ना पुस्ते के पार सारे के सारे डूबे, हमारे यहाँ का खुद का इलाका भी डूबा हमने खुद देखा। और इस साइड में अगर मैं दिखा दूँ, क्योंकि वो जो फार्म वाला एरिया वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं गया और यहाँ पूरा पुस्ता टच हो गया, रियल बताऊँ पूरा पुस्ता टच हो गया, और वो जो इवनिंग सनसेट है ना बहुत सुंदर लग रहा है, बस देखने में सुंदर लग रहा है, पर ये जो बाढ़ का पानी है ना इतना बहुत परेशानी दी है लोगों को, और ये उन्हें पता है जो जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने मेरे पहले के व्लॉग भी देखे हैं। तो आप भी पहले पिछले व्लॉग्स को देखना और उसके बाद कंटिन्यू रहना इस वाले व्लॉग में, बिकॉज मेरे को पता है कि आगे जो कंटेंट आएगा यू विल वॉच दैट, सो प्लीज़ बी रेडी फॉर वॉचिंग मोर थिंग्स। बाकी टिल नाउ आप इस इवनिंग को देख लो, बाकी क्लोज करूँगा मैं वीडियो को वेरी सून, ठीक है, इंजॉय करिए जस्ट दिस। आजा मेरे माही तेरी याद आ गई, वाकई में भाई याद तो किसी ना किसी की आई होगी, तभी तो इतनी जा रही है, पानी आ लियो पीछे से शाम भी कोई, वाकई में यार बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर देखने के लिए, पर इन्हें बर्बादी बहुत की है सच में। पीछे हमने देखा है खादर में कितनों की मतलब घरों की कितनों की बर्बादी की है, खड्डा कॉलोनी में देखा मैंने जो बसंतपुर का एरिया वहाँ पे ऐसा हुआ है। बाकी वो जो दिख रहा है आपको वो सारे के सारे फार्म्स हैं, वो सारे वहाँ पे पानी नहीं पहुँचा, पर देख रहा हूँ यहाँ पे पानी पहुँच गया ऊपर ऊपर तक वहाँ तक, ये चीज़ रही है पानी का भी बहुत सुंदर व्यू है। चलो यार चलते हैं, बाकी बने रहना वीडियो में। तो दोस्तों मैंने जितना दिखाया अपने इस व्लॉग में उसे देख के एंजॉय करना जितना ज़्यादा हो सकता है, लाइक शेयर कमेंट जो भी करना हो कर देना, इंस्टाग्राम की आईडी भी मैंने मेंशन कर रखी है तो आप उसे उस पर भी फॉलो कर लो, क्योंकि उस पर भी मैं बैक टू बैक अपनी रील्स को अपलोड करता हूँ, तो यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स फॉर वॉचिंग। और बाकी आप लास्ट में ये इवनिंग का व्यू देख लो, दिस इज ब्यूटीफुल व्यू यार, सच में बहुत ब्यूटीफुल है और आपको दिख ही रहा है, दिस इज द फैबुलस कॉन्टेंट फ्रॉम माई साइड फॉर यू ऑल, सो आप इंजॉय करिए इसे देख के। पीछे का एक और बार आपको दिखा देता हूँ, दिस इज द लास्ट टाइम एंड व्हाट यू आर वॉचिंग जस्ट दिस क्लाउड, वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है, मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तो मीन्स इज दैट यू आर जस्ट वॉचिंग दिस, है ना, अच्छा लग रहा है। तो कोई नहीं, बाकी मिलते हैं आपको अपनी अगले व्लॉग में, टिल नाउ टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।